हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट थ्री वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था, उसमें आपको याद करना बताया था। जी हां, और लास्ट में ये भी बताया था कि आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लाऊंगा। जी हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए मैं ले आया हूँ। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ वीडियो को, आपको ये बता देता हूँ कि जो भी डाउट है अभी तक का, वो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ उसमें, तो कमेंट कीजिए। जितना कमेंट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग मैं और भी क्वेश्चंस बताऊँगा उसमें। तो आप आज का वीडियो देखिए, मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आज का वीडियो का। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार से आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। कहीं कहीं ये भी दे देगा क्वेश्चन कि रिसीव एंड पेमेंट दे दिया है, और उसको देख करके बोलेगा कि आपको क्या बनानी है, उसको देख करके आपको बनानी है इनकम एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दे, या फिर आपका सेंटेंस वाइज क्वेश्चन दे दे, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोनों आसानी है, दोनों में से आपको चुनना है। जो रिसिप्ट है वो इनकम साइड चुन के रख दीजिए, जो पेमेंट है वो आप एक्सपेंडिचर साइड चुन के रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको बनाने में रिसिप्ट एंड पेमेंट का सिर्फ उल्टा प्रोसेस वर्क करता है, लेकिन चीज वही है। मतलब कि आप जो रिसिप्ट डेबिट में लिख रहे थे ना, अब डेबिट में रिसिप्ट नहीं लिखाएगा, अब डेबिट में इनकम एक्सपेंडिचर का क्या लिखाएगा, एक्सपेंडिचर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, एक्सपेंडिचर। समझ लीजिए पेमेंट क्रॉस हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। तो जो डेबिट होता था वो क्रेडिट में लिखाएगा, जो क्रेडिट होता था वो डेबिट में, बस हेडिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और इनकम। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, मतलब सब्सक्रिप्शन से क्या मिला, तो खुद बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो इनकम ही मिलेगा ना, कि क्या मिलेगा। जी हाँ, इनकम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो कहाँ लिखेंगे इसको, तो इनकम में लिखेंगे। देख लीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 220,000, ठीक है, 220,000। बिल्कुल अमाउंट परफेक्ट लिखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ आपको, जीरो का वैल्यू होता है, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है सैलरी पेड। अब बात कर दी इसने पेड की, तो ये पेमेंट का बात कर रहा है, तो पेमेंट को कहां लिखना है हमको, हमको लिखना है एक्सपेंडिचर में। हाँ, एक्सपेंडिचर बताया था आपको, याद भी होगा, एक्सपेंडिचर में लिख देंगे सैलरी पेड, क्लियर है, दिख रहा है एक्सपेंडिचर में कितना, 30,000, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, अब पूछेगा कि ये इस साइड क्यों लिखा हमने, अरे इसके पीछे वजह है, ये इस साइड क्यों लिखा है, इस साइड इसलिए लिखा है क्योंकि और भी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद ही हम इसको फाइनल अमाउंट में लेकर के आएंगे। मतलब अभी उसमें कुछ रफ वर्क बाकी है, उस रफ वर्क को करते हुए फिर हम इसको फेयर में लाएंगे। चलिए आगे देखते, आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। सैलरी के एंड में, तो फॉर्मूला में आपको बताया था मैंने कि सैलरी के एंड में क्या होता है, कि सैलरी के एंड जब भी होगा कौन, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंड होगा, किसका एंड होगा, सैलरी का एंड होगा आउटस्टैंडिंग, तो उसको कहां लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे इसी के रफ में वर्क करेंगे, एडजस्टमेंट के रूप में, किसके, सैलरी के रफ में। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, क्या है ये, एंडिंग है, बिगिनिंग होता तो क्या करते, लेस करते, तो एंडिंग है तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले से सैलरी कितना था, 30,000, फिर और कितना आ गया, तो और आ गया 6,000, दोनों मिला के कितना हो गया, तो आप जोर करके खुद भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी की बात ये कह रहा है, अब इसको भी देखना है कि आप पेमेंट में लिखते थे इसको, याद है आपको कि रिसिप्ट में लिखते थे, भूल गए क्या, पेमेंट में ही लिखते थे, ठीक है, तो पेमेंट में लिखते थे, तो कहां जाएगा अब ये, तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में, क्लियर, जा रहा है, कितना है अमाउंट देख सकते हैं, कितना है, 4,500, बिल्कुल जीरो नहीं लिखेगा ज्यादा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन आपका इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस बोल रहा है, क्लियर, मतलब कि
प्रवेश शुल्क लेगा ये, तो प्रवेश शुल्क देने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं कि प्रवेश शुल्क लेके आप भाग जाइएगा बाहर से, नहीं, उसको भी देना है। तो किधर लिखेंगे भाई, फीस है, तो इसको हमेशा कहाँ लिखते थे हम, इसको हम उसमें रिसिप्ट में लिखते थे, तो इसको कहाँ लिखेंगे, तो रिसिप्ट यहाँ क्या बन गया हुआ है, जी हाँ इनकम बन गया हुआ है यहाँ, तो कहाँ लिखेंगे इनकम में, तो लिख दीजिए ना इंटरेस्ट फी रिसिप्ट अमाउंट, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज मिलाइएगा, कितना है अमाउंट 20,000, बिल्कुल 20,000 ही लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, तो रिसीव्ड बोला तो ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट कहाँ लिखाएगा, तो रिसिप्ट कहाँ बन गया, यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आके क्या बन गया, वो यहाँ पे आके आपका बन गया इनकम, तो आप लिख दीजिएगा इनकम, क्या डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट लिखिएगा, कितना है 10,000 ही लिखिएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, बोला क्या ऑफिस एक्सपेंस, जी हाँ एक्सपेंस बोल दिया, यानी खर्चे की बात कर दी, तो पेमेंट करना होता है खर्चे की, जब भी बात करेगा तो क्या करना होगा, जी हाँ पेमेंट करना होगा इसको, तो पेमेंट करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, क्लियर है। तो कहाँ लिखिएगा पेमेंट को, तो पेमेंट यहाँ क्या बन गया है, एक्सपेंडिचर बन गया है, तो जी हाँ एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए ना, कोई नहीं रोकेगा आपको। ऑफिस एक्सपेंस कितना है 15,600, क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखता है रेंट पेड नॉट रिसीव ओनली पेड, तो पेड कहां लिखाता है, पेड पेमेंट में लिखाता है, तो पेमेंट यहां क्या बन गया हुआ है, पेमेंट यहां एक्सपेंडिचर बन गया हुआ है, तो कहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए रेंट पेड इतना अमाउंट उतना ही लिखिएगा, कितना है 30,000, बिल्कुल 30,000 ही लिखिएगा, आप क्वेश्चन से भी मिला सकते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंस। भाई हम भी कुछ बचे कुचे में से हैं, तो मिसलेनियस बचा कुचा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो खर्ची है भाई, तो रिसीव में तो लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखेंगे पेमेंट में, तो पेमेंट यहाँ क्या बन गया है, यहाँ बन गया है एक्सपेंडिचर, कोई शक है, नहीं होना चाहिए, तो उसको लिख दीजिएगा, कितना अमाउंट है 4,000 मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना लिखा है 4,000, जी हाँ। अब इस दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा जिस प्रकार आप उसमें कैलकुलेट करते थे, कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला में भी आपको बताया था कि दोनों को कैलकुलेट करना ही है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में मैं सिखाया था क्या लिखाता है, तो उसका डिफरेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, तो यहाँ पर इनकम आपका ज्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, कैलकुलेट किए थे तो 250 निकला था, 2,50,000 निकला था इसका टोटल, लेकिन इसका कम निकला था, दोनों को घटा के देखे दोनों के टोटल को, तो ये डिफरेंस गिरा 1,59,900, ये डिफरेंस गिरा, इस डिफरेंस को मैं लिखा, और इसमें क्या लिखा इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखाया है पर्टिकुलर इसका, तो इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखाया है, तो टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम क्या है एक्सेस हो गया है, यानी बहुत ज्यादा हो गया है, किसके सामने, ओवर एक्सपेंडिचर, बेचारे गरीब के सामने, तो गरीब को क्या किया हमने, तो गरीब को हमने दान दे दिया, क्लियर है, कोई शक नहीं होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा क्या बोल रहा है ये, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये बोल रहा है मैच फंड का ये विवरण किया है, मैच फंड का ये विवरण किया है, तो मैच फंड का जब भी क्वेश्चन देगा मैच फंड का, तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को ही दिमाग में रखिएगा, इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, तो मैच फंड का जब भी ऐसा देगा तो आपको अपने अंदर दिमाग में रखना है इस तरह के फॉर्मूला को, क्लियर है। चलिए तो अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि ओपनिंग स्टॉक जब भी होगा, ओपनिंग स्टॉक जब भी होगा, सबसे पहले उसको कहां लिखेंगे, सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वही तो बीडी है, क्लियर, वही क्या है, बीडी है, बैलेंस फिगर है, क्लियर है। उसके बाद इसमें किस तरह की चीजों को हम ऐड करेंगे वो भी देखना है इसमें, कि किस तरह का चीज हमको इसके अंदर में ऐड करना है और किस तरह का चीज हमको इसमें से लेस करना है, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट टाइप का दिखेगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा और जो लॉस टाइप का दिखेगा उसको इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा। सोचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, जिस तरह से आपने रिसीव एंड पेमेंट देखा, ठीक है ना, उसी तरह से इनकम एक्सपेंडिचर भी आपसे बना, तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों से तो बिल्कुल आसान है, काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए, तो ओपनिंग डाल दिया आपने, फॉर्मूला का दिख रहा होगा। उसके बाद है सेल ऑफ मैच टिकट, तो मैच टिकट हम बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ही, तो क्या करेंगे, ओपनिंग में इसको हम ऐड करते हैं, क्लियर है, लॉस नहीं होता है मैच टिकट बेचने से, प्रॉफिट ही होती है, तो ऐड करिएगा। डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड
क्या डोनेशन के रूप में आया है, मैच फंड डोनेशन के रूप में आया है, तो डोनेशन के रूप में जब भी मैच फंड आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसमें हम ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, क्योंकि सारे डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके। चलिए आगे देखिए, आगे और क्या इसमें ऐड करना है, तो इसमें ऐड कीजिएगा आप इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो आप इसमें इसको क्या कीजिएगा, बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा इस तरह के नाम को। तो तीन नाम हम आपको बताएं, कौन कौन, पहला है सेल ऑफ मैच टिकेट, दूसरा है डोनेशन फॉर मैच फंड, और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों को क्या करना है, ओपनिंग के अंदर में इसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन इसके बाद लेस वाला है, तो लेस वाला कौन है, तो किसी प्रकार का एक्सपेंस दिखेगा, लगेगा कि वो खर्च है, एक्सपेंस है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे इसमें से, तो इसमें से हम उसको घटा देंगे, और घटा के जो आंसर निकलेगा वही हमारा लायबिलिटी साइड शो करेगा बैलेंस शीट का। क्लियर है? जो भी अमाउंट होगा वो चिट्ठे के रूप में आपको दिख जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि शोज हाउ वुड यू डील विथ अ विथ द फॉलोइंग आइटम इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इस तरह का डाटा आपको अगर दे देगा तो किस तरह से उसको आप अरेंज करोगे, किस तरह से सिस्टमेटिक बनाओगे अपने अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग तो सीखा है, बनाना भी सीखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से और आगे भी सीखना है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि मैच फंड कितना बता रहा है, वो मैच फंड बता रहा है 80,000। फॉर्मूला तो हमने देखा था, तो मैच फंड को कहाँ लिखना है आपको पता है, तो मैच फंड कहाँ लिखाएगा, जी हाँ मैच फंड सबसे ऊपर लिखाएगा, सबसे ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से मैच फंड सबसे ऊपर। कितना अमाउंट है, 80,000 लिखिएगा, 80,000। उसके बाद उसमें क्या करना है, तो आगे पढ़ लेंगे आगे क्या करना है। तो आगे इसमें किसी भी तरह का हमको लगेगा कि और भी रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम उसमें लिखेंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो क्या मैच फंड इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, जी नहीं इसमें मैच फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, तो फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं होगा। आपको क्या करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मैच एक्सपेंस यानी कि मैच का खर्चा, तो मैच का खर्चा कहाँ लिखेंगे, तो वो तो माइनस की बातें है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऐड की बातें कर रहे हैं, तो पहले ऐड वाला छांट लेते हैं फिर माइनस में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड। डोनेशन क्या हुआ है, मैच फंड के लिए रिसीव हुआ है, तो हम फॉर्मूला में पढ़े थे याद होगा कि इस तरह के चीज को हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह के चीज को ऐड कर देंगे, किसमें, डोनेशन में। तो देख लीजिए ऐड है डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना, 26,000, बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है सेल ऑफ मैच टिकट हमने बेचा, कितना का बेचा, 36,000 का बेचा, ठीक है, मैच टिकट हमने बेचा 36,000 का, तो कहाँ लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कहाँ लिखाएगा, वो ऐड में लिखाएगा ऊपर ही, क्योंकि हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, टिकट बेचने से पैसा आया है, तो हम लिख देंगे सेल ऑफ मैच टिकट कितना, तो 36,000, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारे जितने भी आपको प्रॉफिट वाले दिखे हैं सारे को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ये दिखा और ये दिखा, ये तीनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, क्लियर, तो ये तीनों ऐड हो गया। अब देखते हैं एक एक्सपेंस आया था इसके बीच में, आया था ना, याद होगा मैच एक्सपेंस कितना आया था, तो 1,50,000, यही एक एक्सपेंस आया था, इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं आया था, ठीक है। तो इस एक्सपेंस को लेस लिख करके, क्योंकि ऐड वाला काम हो गया तो उसके नीचे ही जस्ट लेस लिख करके मैच एक्सपेंस लिखे, और जो टोटल था प्रॉफिट वाले का उससे इसको हम घटा दिए, तो जाहिर सी बात देखिएगा प्रॉफिट के सामने ये जो लॉस है, एक्सपेंस है, ये आपको कितना ज्यादा है ना ज्यादा। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, बिल्कुल आपको दिख रहा है प्रॉफिट 1,42,000 है ओनली,
और ये कितना हो गया है लॉस, यानी कि आपको एक्सपेंस कितना हो गया है, तो 1,50,000 का एक्सपेंस हो गया है। क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस गिराइएगा तो कितना निकलेगा, 8,000 निकलेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में निकला है इसलिए आप इसको क्या कहिएगा, आपको ये लॉस निकाल के दिया है, यानी कि आपके ऊपर कर्ज है, दब गए हैं कर्ज तले आप। ठीक है, तो आपको यह दिख रहा है कि 8,000 लिखे है, उसके लिए क्या आपको लिखना है पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखाएगा, तो उसका नरेशन क्या है, उसका नरेशन है टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंस। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपका वो दिख रहा है यहाँ पर किस रूप में दिख रहा है, एक्सपेंस के रूप में। तो आपके साथ क्या हुआ है, तो आपके साथ सिर्फ खर्चे की बात हुई है, एक्सपेंस की बात हुई है, प्रॉफिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका सब्सक्रिप्शन के ऊपर है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो इंड ईयर का वैल्यू होता है या एडवांस का वैल्यू होता है, वो दोनों देखना है आपको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंड भी देखना है, यानी आउटस्टैंडिंग का इंडिंग भी देखना है, आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग भी देखना है, एडवांस का इंडिंग भी देखना है, एडवांस का बिगनिंग भी देखना है, इस फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे। चलिए अब ये किस तरह से बनेगा, बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन बनाया था ना, बिल्कुल ये भी फॉर्मूला उसी तरह से होगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होने जा रही है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ता हूँ बोल क्या रहा है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा, बिल्कुल इनकम एक्सपेंडिचर की तरह ही है ये भी। ठीक है, विद कॉलम चेंज हो गया, कॉलम दो साइडेड था, ये सिंगल साइडेड है। ठीक है, आपको टेंशन लेना, बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या कहता है, तो इसमें फॉर्मूला में कह रहा है कि वैसा चीजों को पहले ही ऐड कर लीजिएगा जो आपको प्रॉफिट मोटिव का दिखे और लॉस मोटिव का दिखे, उसको क्या कीजिएगा, उसको हम लेस करने के लिए नीचे रखेंगे। तो ऐड वाला को सबसे पहले, तो ऐड वाला पढ़ता हूं मैं, चलिए ऐड वाला में क्या लिख रहा है, तो लिख रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग होते हुए एंड ऑफ द ईयर होगा, क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर होगा, तो उसको हम कहां लिखेंगे, तो उसको हम एड में लिखेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन में हम एड कर देंगे, जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा उसमें हम उसको एड कर देंगे। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है ओपनिंग एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, कैसा, ओपनिंग हो या एडवांस हो या प्रीपेड कह दीजिए उसको। ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम ऐड कर देंगे। जी हाँ, लेस की बात कर लेते हैं, तो लेस की बात बिल्कुल जो आप ऐड पढ़े थे ना उसका उल्टा कहेगा, तो हम लेस कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ऐड में क्या बोले थे, हम ऐड में बोले थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, तो हम क्या किए उसको, हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर यही चीज सिर्फ बिगिनिंग हो जाएगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बिल्कुल लीजिए फॉर्मूला, जो उसमें एंडिंग था वो इसमें बिगिनिंग होगा, क्लियर है, वो लेस कहला जाएगा। चलिए, उसमें जो भी प्रीपेड था, उसमें जो भी प्रीपेड था बिगिनिंग में, उस बिगिनिंग को हम उसमें क्या कर रहे थे, उस बिगिनिंग को हम उसमें ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर लेस करेंगे किसको, जब वो एंड होगा तब, जब वो एंड होगा तब। तो बिगिनिंग हम ऐड कर रहे थे और एंडिंग को हम क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे। चलिए, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, बहुत आसान फॉर्मूला था, इस बेसिस पे आपको हम क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है पढ़ देता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडिंग 2010 to 2011, मतलब 2010 से 11 के बीच का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो सारे को पढ़ना है और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रिसिप्ट साइड में दिया सब्सक्रिप्शन 2009 से 10 के बीच में, लेकिन हमको बनाना था कितने के बीच के, 2010 से 11 के बीच का बनाना था हमको, लेकिन दिया है 2009 से 10 के बीच का, उसके अलावा 2010 से 11 के बीच का और 11 से 12 के बीच का, लेकिन हमको काम किसका है, तो क्वेश्चन बोला सिर्फ उसी का काम है हमको, 10 से 11 के बीच का, तो सब्सक्रिप्शन उठा लीजिएगा। 10 से 11 के बीच कितना है अमाउंट, दिख रहा है क्वेश्चन में, जी हाँ 90,000 है, तो 90,000 को लिख दीजिएगा सबसे पहले, बिल्कुल ठीक,
ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2010-11 कितना 90,000, बिल्कुल हेडिंग के साथ आइएगा जैसे हेडिंग लिखा हुआ है, ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा आपका बिल्कुल जैसे कि आप पिछले वाले में बनाए थे, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बाद बाकी ये दो ईयर का काम नहीं, क्योंकि जिस ईयर का बनाना है उसी ईयर का अमाउंट उठाएंगे, चाहे सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। आगे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है पहला वाले में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी अदद चंदा कब का है, तो जान तो गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये एंडिंग है कि बिगिनिंग है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा था कि ये एंडिंग चाहिए कि बिगिनिंग चाहिए, तो हम ऐड वही करते हैं जो एंडिंग होता है। ऐड किसको करते हैं, जब सब्सक्रिप्शन एंडिंग होगा तो उसको ऐड करेंगे, लेस किसको करेंगे, जब बिगिनिंग होगा तो उसको हम लेस करेंगे। तो यहां बोला एंडिंग, लेकिन एंडिंग कब का है, 31/3/2010 मतलब 31/3/2010 का एंडिंग है ये, लेकिन हमको एंडिंग किसका चाहिए, हम किसका बना रहे हैं, तो 2010 से 11 का, तो 11 मेरा क्या है एंडिंग है और 10 क्या है बिगिनिंग है, समझिएगा। बिगिनिंग ईयर लिखे 1/4/2010 तो ये बिगिनिंग कहलाएगा, एंडिंग ईयर लिखे 31/3/2011 तब ये एंडिंग कहलाएगा, क्योंकि 11 का एंडिंग चाहिए ना आपको, 10 का एंडिंग चाहिए क्या, लेकिन ये कह रहा है 2010 का एंडिंग है, 2010 का एंडिंग हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, जी नहीं ये गलत होगा अगर लिख दीजिएगा तो। 15,000 जो लिखा है अमाउंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इस तरह का एंडिंग अगर आप यूज करते इस्तेमाल करते हैं तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल अपने एंडिंग और बिगिनिंग पे गौर कीजिएगा कि 2010 में शुरू हुआ था, 10 का बिगिनिंग 1/4/2010 होगा और ये जब एंड होगा तो वो डेट चेंज हो जाएगा 31/3/2011 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, आगे बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2011 मतलब 31/3/2011 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह रहा है, तो जी हाँ ये ठीक कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि हमको एंडिंग चाहिए था कब का, 31/3/2011 का ही चाहिए था, क्योंकि हम क्वेश्चन एंडिंग 2011 के लिए बना रहे हैं, बिगनिंग 2010 के लिए बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ये परफेक्ट है। ये कितना है 20,000, देख लीजिए 20,000 एड में लिखा होगा, लिख रहा है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 20,000, परफेक्ट है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2009-10 फॉर इयर्स 2010-11, ठीक है, मतलब कि चंदा जो है आप रिसीव किए हैं एडवांस में, ठीक है, कौन सा चंदा, तो 2009 से 10 के बीच का जो चंदा था ना वही आप एडवांस में रिसीव किए हैं, ठीक है, एडवांस में रिसीव किए हैं किसके लिए, 2010 से 11 के लिए किए हैं, मतलब 9 से 10 के बीच का चंदा 2010 से 11 के लिए आपने रिसीव किया है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल का जो एंड में आपको एडवांस मिल रहा था इस ईयर का एडवांस मिल रहा था 10 से 11 के लिए, तो हम बिगिनिंग में अगर एडवांस मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, हाँ जी इसको हम इसमें लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एड में लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देख लीजिए एड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2009-10, तो 2009 से 10 के 10 में था एडवांस, तो उसमें जो एडवांस मिला ये हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम 10 से 11 में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना, तो इसको भी एड में लिख दीजिएगा, क्लियर है। जब इसको ऐड में आप लिख दीजिएगा उसके बाद इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये 90,000, ये 13,000 और ये 20,000 तीनों को क्या करेंगे हम, जी हाँ तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके जो आंसर आएगा वही सही आंसर कहलाएगा, तो आपको दिया हुआ है आंसर दिख रहा है 1,23,000 टोटल आंसर दिख रहा है आपको, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर्स 2010-11 मतलब 2010 से 11 के बीच का जो चंदा था आपको बिल्कुल ये आपके सामने है, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं। अगर सही में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अगर सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही तो मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो आपको और जल्दी अपडेट आपको पता चलेगी, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और भी अगर वीडियो चाहिए इस चैप्टर से तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर से वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैप्टर से किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपके कमेंट का प्रतीक्षा कर रहा हूं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।